हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं दोस्तों। और इस MCQ में से दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन जो है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको जो टर्म 1 एग्जाम और उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। जी हाँ, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और दोस्तों जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है और इनको जो संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में ये पद लिया गया था हमारे फ्रांस के संविधान से। और फ्रांस में जो संविधान का सबसे बड़ा पद होता है वो वरिष्ठता के आधार पर तय किया जाता है। तो भारतीय संविधान में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए क्लियर। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, और प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 सदस्यों की संख्या थी। अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर, और सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो संविधान सभा के दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। इन्हें 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर प्रश्न पूछा जाता कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से यानी संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। बट यहाँ प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 को क्यों पारित किया गया, जबकि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। ऐतिहासिक कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय स्वतंत्रता, या कह सकते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या कह पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और पहली बार भारतीय झंडा, तिरंगा झंडा फहराया गया था 1930 में। और 1929 में जो लखनऊ लाहौर अधिवेशन था, उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था, पारित किया गया था। क्लियर। और इसे 30 जनवरी 1930 को ही भारतीय जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस को मनाया था पहली बार। और इसी के ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान दोस्तों जो पूर्णतः लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के कुछ जो प्रावधान हैं वो कुछ पहले लागू कर दिए गए थे, जैसे अगर हम बात करें नागरिकता का अधिकार जो है, ठीक है, वो पहले लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 5 की अगर बात करें तो पहले लागू कर दिया गया था। बाकी पूरा संविधान जो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, भारत कब गणतंत्र बना। तो दोस्तों भारत कब गणतंत्र बना, तो भारत गणतंत्र बना था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र मतलब हम कहते हैं कि जो भारत का जो सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, वो चुना हुआ पद होता है, इसलिए हम कहते हैं भारत एक गणतंत्र है। और ब्रिटेन एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है नहीं है, क्यों, क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो राष्ट्र वो अंशानुगत होता है, राष्ट्रध्वज हमारा जो राष्ट्रध्वज होता है वो चुना गया होता है। क्लियर। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1950 को, ठीक है, इस समय हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया गया था ये, ठीक है, याद रखना दोस्तों आप, ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा एक बार यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया दोस्तों वो था 24 जनवरी 1950 को, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट,
भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल अधिकारों की बात करें, मूल संविधान के उसमें 7 दिए गए थे, ठीक है। तो वर्तमान में कितने 6 हैं और मूल संविधान में कितने थे? 207 थे। एक संविधान मौलिक अधिकार जो अब विधिक अधिकार बन गए वो कौन है? संपत्ति का अधिकार। जी हाँ, संपत्ति का अधिकार अब एक विधि अधिकार हो गया है, जिसे जो पहले आर्टिकल 31 में था, अब इसे आर्टिकल 31 से मौलिक अधिकार की संख्या हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 का में क्या कर दिया गया है? विधिक अधिकार प्रदान बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, पहले कितने थे? 7 थे। चलिए नेक्स्ट, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ए और बी दोनों दो को। दोस्तों मूल अधिकारों को जो रक्षक है, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर, हालांकि उसे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर संवैधानिक विचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आधार पर, लेकिन इसके साथ साथ अनुच्छेद 226 जो है दोस्तों वो उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार देता है, और इसके आधार पर भी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए और बी दोनों भी हो सकता है, ठीक है, और आपका जो सटीक आंसर वो है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। जी हाँ, याद रखना 44वें संविधान संशोधन 1978 के में। अगला है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद आर्टिकल 21 क्लोज ए के तहत जो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोक कल्याण के राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याण के राज्य की जो अवधारणा दोस्तों वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण रक्षा करे, समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याण के राज्य की स्थापना करे। तो संविधान का अनुच्छेद 40 दोस्तों वो निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ठीक है। अगला, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो जो दोस्तों संविधान में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्य कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संविधान में अगर हम मूल कर्तव्य कुल संख्या की बात करें तो जो मूल कर्तव्य थे मूल संविधान में, हालांकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य को दिए नहीं गए थे, लेकिन 1976 में, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से हमारे संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। तो पहले कितने थे? 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 11 थे। तो अगर पहले की बात करें 210, लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाएगी तो 11 मूल कर्तव्य हैं, और मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान के मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए थे, और इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा चौधरी स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था आपातकाल के बाद। चलिए, संविधान में मूल कर्तव्यों की समिति का अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण से समिति की सिफारिश पर या उनके अनुशंसा पर शामिल किया गया था। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान निर्मात सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो संविधान निर्मात सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जी हाँ, वह हैं JB कृपलानी। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 6 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसे 22 जनवरी, जी हाँ 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थे? अगर हम अनुच्छेद की बात करें 395 और अनुसूची की बात करें दोस्तों 8। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं दोस्तों, ठीक है, और 25 भाग में हमारा संविधान वर्णित किया गया, और मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्ताव रखा था वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, क्लियर दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अगर आज पूरी पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगते हैं, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के जो सदस्य नहीं थे वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देखना दोस्तों, क्या पूछा गया है
कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्ताव किसने रखा, तो संविधान के प्रारूप जो मसौदा के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था, इस तरह यहाँ जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रस्तावना प्रस्ताव भी इन्हीं द्वारा ही रखा गया था। माफ, ठीक है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों कब पारित किया था, तो 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में किसने छोड़ा है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से, यानी हमारे संविधान का ज़्यादातर भाग 1935 के भारत शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। दोस्तों चलिए, विधि के समक्ष समता लिया गया कहाँ से, विधि के समक्ष समता दोस्तों लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की संकल्पना किसे प्रेरित है, तो भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की जो संकल्पना है वो प्रेरित है दोस्तों किससे, फ्रांस के संविधान से। ठीक है, 1789 की जो क्रांति थी, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार से को विचार को ग्रहण किया है, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया किससे दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। क्लियर, भारत में सरकार के संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो भारत के संविधान के जो संसदीय शासन प्रणाली वो ली गई दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से, बट भारत और ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली उसमें अंतर है, क्योंकि जो ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली उसमें राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, वहाँ पर राष्ट्र का अध्यक्ष जो है वो जो उसका चुनाव होता है वो चुना गया नहीं होता दोस्तों, हमारे राष्ट्र के जो अध्यक्ष उसका चुनाव होता है यानी राष्ट्रपति का, लेकिन वहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो क्या होता है दोस्तों, वंशानुगत होता है। तो इस प्रकार से हम अलग भी हैं, बट हमने भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ही ली है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया, तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकारों से, और विश्व का सबसे पहला मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला देश भी अमेरिका ही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य विचार लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों लिया गया है वो हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया, रूस के संविधान से, यानी 1900, ठीक है, रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है, और रूस की क्रांति से ही सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय भी हमने वहीं से लिया है। भारतीय संविधान में समृद्धि सूची की अवधारणा ली गई है किससे, ऑस्ट्रेलिया से, समृद्धि सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिकतम समानता रखती है, तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संघीय व्यवस्था से अधिकतम समानता रखती है। भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, आयरिश संविधान से दोस्तों हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई, तो भारतीय संविधान की जो वह संसदीय शासन प्रणाली जो विशेषता हमने इंग्लैंड से ली है दोस्तों। अगला है प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो भारतीय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 470 से अधिक हैं दोस्तों, याद रखना आप लोग। ये हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, हमें संविधान की आवश्यकता होती है देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। इसलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय संविधान सभा की अगर हम बात करें तो निर्माण किस कमेटी के माध्यम से किया गया, तो वह कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान के निर्माण कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा दोस्तों, ये भी आपको एक लेक्चर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 293 थी, जो देशी रियासतों की संख्या थी 93 थी, ठीक है, 93 सदस्य क्या थे, मनोनीत थे। चलिए नेक्स्ट, किसने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया, तो जो संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया वो है दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया, उसे मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया गया था बाद में। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल में भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 हैं, ठीक है। संविधान की कुंजी किसे कहा गया, तो प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की कुंजी कहा, किसको कहा गया, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे, उन्हें द्वारा हस्ताक्षर किए थे हमारे संविधान सभा संविधान के। भारतीय संविधान की विशेषता बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर, दुनिया का सफलतम संविधान, उपरोक्त में सभी इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारा है, दुनिया का सबसे जो अलिखित संविधान है किसका है दोस्तों, वो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है,
और लिखित संविधान हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान कठोर और लचीले मिश्रण भी रखता है और सफलतम संविधानों में से भी इसकी गिनती होती है। तो ये दोस्तों चैप्टर वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एमसीक्यू वाले, और अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर वन से इसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह दोस्तों हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर के द्वारा आप सभी के लिए क्लास 11, क्लास 10, 12 सभी के लिए दोस्तों एमसीक्यू, हर चैप्टर के एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी अपडेट आप सभी के लिए जो वो अपडेट आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है दोस्तों आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।